हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास यूकेजी सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट अब हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ छोटा ऊ की मात्रा कौन सी मात्रा? छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। तो ये देखिए प सफर छोटा ऊ की मात्रा सु प सु। यहाँ पर फूल है, प में बड़ा छोटा ऊ की मात्रा पूल। ये सब सारे छोटा ऊ की मात्रा हैं। तो क छपर छोटा ऊ की मात्रा छुआ कछुआ। ये देखिए सौंफ साबुन है। स में आ की मात्रा सा, बपर ऊ की मात्रा भून साबुन। ख पर छोटा ऊ की मात्रा खूर, प पर आ की मात्रा पा खूर पा। म में छोटा ऊ की मात्रा मुँह मुकुट मुकुट। देखिए छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, ठीक है, ये छोटा ऊ है, ये उसकी मात्रा है। जैसे ने हमने आपको बताया था कि स्वरों की मात्राएं बनती हैं, जैसे अ से लेकर अह तक ये स्वर होता है तो इसकी मात्राएं बनती हैं, लेकिन व्यंजन की मात्राएं नहीं बनती है। व्यंजन पर मात्रा लगाई जाती है और स्वरों की मात्राएं बनती हैं, ये ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा दिए गए व्यंजनों के साथ मिलाकर पढ़े। ये देखिए आपका व्यंजन है और उस पर मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। ख व्यंजन है तो ख में छोटा ऊ की मात्रा खू, ल पर छोटा ऊ की मात्रा लू, क पर ऊ की मात्रा कू, ट में ऊ की मात्रा टू, भ पर ऊ की मात्रा भू, स पर ऊ की मात्रा सु, ज में ऊ की मात्रा जू, ढ पर ऊ की मात्रा ढू, स पर ऊ की मात्रा सु। ये सारे छोटा ऊ की मात्रा हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। और ये देखिए य धन छोटा ऊ की मात्रा यू, घ धन छोटा ऊ की मात्रा भू, ब धन छोटा ऊ की मात्रा भू, प धन छोटा ऊ की मात्रा पू, च धन छोटा ऊ की मात्रा चू, म धन छोटा ऊ की मात्रा मु, ख धन छोटा ऊ की मात्रा फू। अब देखेंगे, अब शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करें, ठीक है। अभी आपका ये व्यंजन था, अब हम शब्द मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे देखो ब में ऊ की मात्रा बू न बून, एक शब्द बन गया बून। स स में छोटा ऊ की मात्रा सू न सुधन, न बराबर सुन। प धन ऊ, प पर ऊ की मात्रा पू धन ज धन आ धन र धन बड़ी ई। तो देखिए प पर ऊ की मात्रा पू, ज पर आ की मात्रा जा, र पर बड़ी की मात्रा री पुजारी। स में ऊ की मात्रा सु, प पर आ की मात्रा पा, र पर बड़ी की मात्रा री सुपारी। ल ल पर ऊ की मात्रा लू, ट ट पर छोटी की मात्रा टी। देख रहे हो, हमने आपको पिछले लेसन में बताया था कि छोटी की मात्रा पीछे से पाई दिया उढ़ाई होता है, ठीक है। तो ल में ऊ की मात्रा लू, ट पर ई की मात्रा टी, य य पर आ की मात्रा या लुटिया। यहाँ देखो क में ऊ की मात्रा पू धन ट धन छोटी की मात्रा धन य धन या। क पर ऊ की मात्रा कू, ट में ई की मात्रा टी, य पर आ की मात्रा या कुटिया। च धन ऊ चू, ल बू, ब धन ऊ की मात्रा बू ल चू ल बू ल। देखो ब बपर ऊ की मात्रा बू ल, फिर बपर ऊ की मात्रा बू ल बू ल बू ल, ठीक है स्टूडेंट। आप इसमें ऊ की मात्रा लगाकर जैसे हमने आपको बताया इस तरह से आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आओ बोलकर पढ़े स्टूडेंट। ये देखिए गुन बून धून सून चून। तो ये आपका मिलते जुलते शब्द हैं,
ग में ऊ की मात्रा गुण, ब पर ऊ की मात्रा गुण, ध में ऊ की मात्रा धुन, स में ऊ की मात्रा सुन, च में ऊ की मात्रा चून। ये देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि लास्ट में सबके न आया है। ये मिलते जुलते शब्द हैं, गुण बुन धुन सुन चून। ये दो वर्णों से बने शब्द हैं। अब ये तीन वर्णों से बने शब्द हम पढ़ेंगे, जू रा ब, जुराब गू ला ब। ये तीन वर्णों से बने मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे जुराब गुलाब बुखार सुनार लुहार लुहार लुहार। तो आपका ये ऊ की मात्रा सब में लगा हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा, और ये मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे ब सब में देख रहे हो, जैसे ये मिलते जुलते शब्द जुराब गुलाब बुखार सुनार बुहार, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। मुनिया मुनिया दुनिया दुनिया। ल पर ऊ की मात्रा लू, ट में ई की मात्रा टी, य पर आ की मात्रा या लुटिया लुटिया, क में ऊ की मात्रा कू, ट पर ई की मात्रा टी, य पर आ की मात्रा या कुटिया, च पर ऊ की मात्रा चू, ट में ई की मात्रा टी, यह पर आखिरी मात्रा या चुटिया। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी वर्ण पर एक खड़ी बाई लगाएंगे या एक डंडी लगा देंगे तो ये कौन सी मात्रा हो जाएगा, आ की मात्रा। यहाँ देखो, सब में आ की मात्रा है, मुनिया आ दुनिया आ की मात्रा, लुटिया कुटिया चुटिया, ये मिलते जुलते शब्द। अब यहाँ देखेंगे चार वर्णों से बने शब्द, ब ब में ऊ की मात्रा बू, ल ब पर ऊ की मात्रा बू, ल बुल बुल, टू न टू न टू न टू न। देखो ये छोटा ऊ की मात्रा है, ट में छोटा ऊ की मात्रा टू टू न टू न, च में ऊ की मात्रा चू, न म पर ऊ की मात्रा मू न चू न मू न, गू प चूप गू प चूप, कू क पर ऊ की मात्रा कू, म क में ऊ की मात्रा कू म कू म कूम कूम कूम, ल ल पर ऊ की मात्रा लू, भ पर आ की मात्रा भा, व न में आ की मात्रा ना लुभावना। देखेंगे ध्यान से, स पर ऊ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा है, स पर कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा सु, भ पर आ की मात्रा हा, व ना सुहावना सुहावना, फू ल वा री फूलवारी, फ में ऊ की मात्रा फू, ल वा री फूलवारी, सु न ह रा सुनहरा, बू ल बू ला सॉरी, च में ऊ की मात्रा चू, ल ब पर ऊ की मात्रा बू ला, लम्बे आ की मात्रा ला चुल बुला। तो बच्चों, आप ये देख रहे हो कि ये सब में छोटा ऊ की मात्रा जो लाल कलर से लिखा लगा है वो छोटा ऊ की मात्रा है, जो लाल कलर से लगा है वो छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। अब हम वाक्य पढ़ेंगे, अभी तो हम शब्द पढ़ रहे थे, दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द, चार वर्णों वाले शब्द, अब हम वाक्य पढ़ेंगे, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, ये ध्यान दीजिए। तो अब हम वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। सुबह सुबह हुई हुई सुबह हुई, मधु मधु गुलाब गुलाब लाई, मधु गुलाब लाई गुलाब गुलाब, वह में ऊ की मात्रा बहुत बहुत, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थ थ पर आ की मात्रा था बहुत बढ़िया था, गुलाब गुलाब, क पर ई की मात्रा की, ड ड पर आ की मात्रा डा, ल पर ई की मात्रा ली डाली, गुलाब की डाली, म ह क पर ई की मात्रा की महकी, गुलाब की डाली महकी, बूल 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 बूल, च
च ह कपरी की मात्रा की चहकी बुलबुल चहकी। कुसुम कमे छोटा उप मात्रा कु सप छोटा उप मात्रा सु म कुसुम। उधर उधर चल चल। बुल 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 बुल। का ग पर आ की मात्रा गा न पर आ की मात्रा ना गाना। समय उ की मात्रा सुन सुन। बुलबुल का गाना सुन। म में उ की मात्रा मु कपर उ की मात्रा कुल मु कुल। ग में उ की मात्रा गु म सपर उ की मात्रा सुम गुम सुम गुम सुम। थ थपरा की मात्रा था गुमसुम था। न न पर न कमे उ की मात्रा कुल नकुल। डू ग डू गी डुग डुग गी। ब जपरा की मात्रा जा बजा नकुल डुग डुग गी बजा। म में उ की मात्रा मु कुल मुकुल। सपरु की मात्रा सुन कर सुन कर। खपरु की मात्रा खुस खुस। हमेउ की मात्रा हु अपरा की मात्रा आ हुआ। मुकुल खुस हुआ सुनकर खुस हुआ। स गमेउ की मात्रा गुन सगुन। दपरु की मात्रा दू का न दुकान। जपरा की मात्रा जा दुकान जा। सा बमे उ की मात्रा बु न साबुन। लपरा की मात्रा ला साबुन ला। स समय आ की मात्रा सा बमे उ की मात्रा बु न साबुन। स सपरे की मात्रा से। ह हमे आ की मात्रा हा थ हाथ। ध धमे उ की मात्रा धू। ल लपरा की मात्रा ला धुला साबुन से हाथ धुला। सु समय उ की मात्रा सु मन सुमन। क पर उ की मात्रा कु र सपरी की मात्रा सी कुरसी। ल लपरा की मात्रा ला कुर्सी ला। मु न परी छोटी की मात्रा नी मुनी। आ ए आ ए। ह ल में छोटा उ की मात्रा लू। व पर आ की मात्रा आ हलुआ। व ज पर आ की मात्रा जा। म में उ की मात्रा मु न जामुन। ल ल पर आ की मात्रा ला ए ला ए जामुन ला ए। तो बच्चों आपका ये छोटा उ की मात्रा वाले यहाँ पर आप छोटा उ की मात्रा के व्यंजन पढ़ें यहाँ पर शब्द पढ़ें यहाँ पर आपका वाक्य पढ़े हो ये आपका जो है छोटा उ की मात्रा वाला अभ्यास कंप्लीट हो गया। आप इसे घर पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे अपने घर पर बच्चों। अब ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको होमवर्क है आप इसको करेंगे अपने घर पर होमवर्क करेंगे ठीक है। होमवर्क हम आपको बना कर रखे हुए हैं आपको अभी दे रहे हैं होमवर्क ये आपको होमवर्क करना है। बच्चों देखिए आपको ये होमवर्क है आओ अभ्यास करें। क है चित्र पहचान कर नाम लिखो। ये चित्र है पुल यहाँ पर पुल लिखना है। ये साबुन है यहाँ पर साबुन लिखेंगे ठीक है।
ये साबुन लिखेंगे, यहाँ पर मुकुट है, मुकुट लिखेंगे। ऐसे ही रंगीन वर्णों पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखो। ये ल टी या लटिया है, यहाँ लुटिया लिखेंगे, ये पल है, यहाँ पुल लिखेंगे, ये सबह यहाँ सुबह लिखेंगे, ये सराही यहाँ स में ऊ की मात्रा सुराही, दातन यहाँ दातुन लिखेंगे, ये बढ़िया इसको बुढ़िया बनाएंगे, ब पर ऊ की मात्रा लगाकर बुढ़िया। दिए गए वाक्य में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाओ। तो बच्चों यहाँ इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें छोटा ऊ की मात्रा होगा उस पर गोला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर सुबह, इसमें छोटा ऊ की मात्रा, इस पर गोला, इस पर गोला, इस पर गोला, इस तरह से छोटा ऊ की मात्रा जहाँ भी होगा आप गोला करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे है छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा वह वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखो। जैसे ये देखो, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, ये वर्ण है दिया हुआ है, जैसे है धू, ध में ऊ की मात्रा लगा देंगे, छोटा ऊ की मात्रा धू न, धू न एक शब्द बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ख है, ख में ऊ की मात्रा खू न, खू न, ठीक है, ये हो गया दो। यहाँ पर ग है, ग में ऊ की मात्रा गू न, गू न, ये स है, स में ऊ की मात्रा सु, और ये देखिए सूल, ये सूल हो जाएगा ऐसे, इस तरह से, सॉरी फिर से नहीं, देखिए इसको लेकर बनाना है, धू न, और ये देखिए फू ल, फूल, और ये देखिए गुड़, ये ग में ऊ की मात्रा गुड़, गुड़, अब ये देखिए स में ऊ की मात्रा सु, यहाँ पर भ है, भ सु भ, इस तरह से आप यहाँ पर चार वाक्य, चार शब्द लिखना है, लिखकर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये आप होमवर्क पूरा करेंगे, ये चार शब्द वर्ण है, यहाँ पर इसको लेकर के मिला देंगे, फिर से देख लेंगे एक बार। ये देखिए ध, ध में ऊ की मात्रा धू न, धू न, अबे फिर ख में ऊ की मात्रा खू ल, खू ल, ग में ऊ की मात्रा गू ड, गुड़, अब देखिए स में ऊ की मात्रा सु, और यहाँ पर भ, सु भ, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।